Hello learners, welcome to my channel FS Academy. I am Dr. Farooq Sheikh, done with MCom PhD. I am working in assistant professor in Degree College of Mumbai, having an experience in teaching of 10 years and 8 years in corporate sector. So, aaj hum start karne wale basically cost accounting. Ye BCom, BMS, BAF sab ke liye beneficial hai. So basically hum dekhte hai ki cost accounting hota kya hai. It is a process by which a company determines the cost of goods and services. So cost matlab kya? Aap sab sunte ho cost. Cost matlab kya? Expense, right? Kharcha ki aapne agar koi cheez khari, jaise ki koi cheez aapne kharida, to us pe aapko kitna kharcha hua? In the same way, jab ek company, basically jo cost accounting hota hai, wo banata kaun hai? Manufacturing company ya industries jo hoti hai wo. ठीक है, ये क्यों बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग? बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जब भी वो कोई गुड्स बनाती है, जब भी कोई प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती है, तो ये पता करना होता है कि वो प्रोडक्ट बनाने के पीछे या वो पर्टिकुलर यूनिट्स बनाने के पीछे कितना खर्चा हुआ है, कितना कॉस्ट आया है. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ कि मैं अगर एक पेन बना रहा हूँ, ठीक है, तो पेन बनाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि वो पेन पे मुझे कितना कॉस्ट आ रहा है. मेरे लेबर्स होंगे, राइट, मेरे वेजेस मुझे उनको देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा. तो हर यूनिट्स बनाने के पीछे ओवरऑल टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग. अभी बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एक प्रोसेस है. यह प्रोसेस क्या चीज़ का है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफिकेशन करने का, एलोकेशन करने का, रिपोर्टिंग करने का और कॉस्ट को कंट्रोल करने का. कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब हर कंपनी ये चाहती है कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो. अब वो कॉस्ट को कम कैसे करना है, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा. तभी पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है. देखते हैं एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है. सबसे पहला एडवांटेज है एसर्टेनिंग कॉस्ट या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट. जब भी कोई कंपनी बनाती है कॉस्ट अकाउंटिंग या मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को, तो वो क्या क्यों मैन्युफैक्चर करती है? सेल करने के लिए. अभी सेल करना है तो ऑब्वियसली खर्चा तो उठाना पड़ेगा. तो एसर्टेनिंग कॉस्ट मतलब कि उसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि कॉस्ट कितना आएगा. ठीक है, सिर्फ कॉस्ट कितना आएगा वही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि बनाने के बाद उससे प्रॉफिट भी कितना आएगा कंपनी को. ओके, सेकंड पॉइंट, मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. अभी एफिशिएंसी किसका इम्प्रूव होगा? वर्कर्स का. अभी वर्कर्स को पता है कि वो जो प्रोडक्शन करेंगे उसका मेजरमेंट होता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको क्या किया जाता है? चेकआउट किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है. मैनेजमेंट सब ये चेक करती है, तो ऑब्वियसली वर्कर्स क्या करेगा फिर? एफिशिएंटली अपना काम करेगा, है ना. नेक्स्ट है कॉस्ट को कंट्रोल करना. कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से ये पता चलेगा कि कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, कितना मटेरियल वेस्टेज हो रहा है. अगर इन सब का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा, तो एज ए मैनेजर मैं क्या करूँगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना. बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग यही सिखाता है कि आप कम से कम एक्सपेंस में, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़. ऐसी एक्टिविटीज़ जो क्या है? अनप्रॉफिटेबल है. अनप्रॉफिटेबल मतलब क्या? जहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मतलब जो एक्टिविटी से प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, वो एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा के मतलब है क्या? नहीं ना. तो ये जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करके उसको क्या कर देना? बंद कर देना. नेक्स्ट, फिक्सिंग प्राइस. फिक्सिंग प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग. क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई एक पेन बना रहा हूँ, ठीक है, पेन का मुझे टोटल कॉस्ट आया है 10 रुपीज़. जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि पेन बनाने के पीछे है, मुझे टोटल कॉस्ट कितना आया? 10 रुपीज़. अब बताओ मुझे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो गए तो आप कितना सेलिंग प्राइस रखोगे? 10 रुपीज़ तो नहीं रखोगे ना. 10 रुपीज़ तो मुझे बनाने में एक्सपेंस हुआ है, कॉस्ट आया है, तो मैं 12 रुपीज़ या 15 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स. तो ये मुझे क्या पता चला? कॉस्ट अकाउंटिंग से मुझे ये पता चला कि इतना मुझे कॉस्ट आया है, तो मैं प्राइस डिसाइड कर पाऊँगा कि मैं अबाउ कॉस्ट कितना प्राइस रखूँ ताकि मार्केट में वो प्रोडक्ट क्या हो? सेल हो. ठीक है, लास्ट पार्ट है
हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग मतलब मैनेजमेंट को यहाँ पे हेल्प मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने से, कि वो डिसाइड कर पाए क्या डिसीजन ले, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितने लेबर्स होने चाहिए, कितना मटेरियल का यूसेज होना चाहिए। तो एवरी डिसीजन ले पाएगा, राइट डिसीजन ले पाएगा राइट टाइम पे, जब वो प्रॉपरली क्या रिकॉर्ड करेगा, सारे डिटेल कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अभी कॉस्ट को यू नो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड या क्लासिफाई किया गया है। लेट्स टेक जो जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के मुताबिक पहला है फिक्स कॉस्ट। नाउ फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोडक्शन ना हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, लेकिन वो हमेशा उसका नेचर कैसा रहेगा? फिक्स। एग्जाम्पल ले लो, अभी मैं एग्जाम्पल दे तो सैलरी, जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है, क्या वो चेंज होता है? ऐसा कभी सुना है कि ये महीना 10,000 सैलरी, अगले महीना 20,000, फिर उसके अगले महीना 30,000? नहीं ना, वो क्या होता है? फिक्स नेचर का होता है। तो मतलब जो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। चेंज होते रहता है मतलब, एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप चाहे लाइट को यूज़ ना करो, चाहे आप लाइट को यूज़ ना करो या लाइट को यूज़ करो, चेंज होता है या फिक्स रहता है? बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। यस, वेरी गुड। आप घर में रहते हो, हर महीना आपको वेरिएबल वेरिएबल आता है, चेंज आता है, बिल फिक्स होता है क्या? नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, मटेरियल कॉस्ट। यस से मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल, इस हफ्ता मैंने जितना मटेरियल मंगाया, क्या मैं अगला हफ्ता ज़रूरी है उतना ही मटेरियल मंगाऊंगा? नहीं ना, या अगले महीना मैं सेम मटेरियल ऑर्डर करूँगा, डिपेंड करता है ना डिमांड के ऊपर, जैसा डिमांड रहेगा वैसे मैं मटेरियल ऑर्डर करूँगा। तो वो फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है? चेंज। तो जब भी चेंज की बात आती है वो किस में आता है? वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जहाँ पे फिक्स और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास BSNL का लैंडलाइन। एग्जाम्पल BSNL का लैंडलाइन अगर आपके पास होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, आप चाहे फ़ोन करो या ना करो, उसका जो मंथली रेंटल है वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया, आपने किसी को ज़्यादा कॉल किया, तो आपका बिल में फ्लक्चुएशन आएगा, आपको एक्स्ट्रा बिल आएगा। तो रेंटल तो फिक्स है, लेकिन अगर आपने यूज़ ज़्यादा किया तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही है ना, कॉम्बिनेशन हो रहा है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है स्टूडेंट्स? फिक्स और वेरिएबल का। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से दो कॉस्ट हैं, एक है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक है प्री डिटरमाइन कॉस्ट। अभी प्री डिटरमाइन हिस्टोरिकल का फ़र्क समझो। प्री डिटरमाइन का मतलब होता है कि आपने पहले से सोच के रखा है, मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले आपने इसको सोच के रखा है कि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतने पैसे में बनेगा या इतना कॉस्ट आएगा। एग्जांपल मैं दे दूँ कि जो मैं पेन बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये पेन का जो कॉस्ट होगा 10 रुपये में ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा है, अभी पेन बना नहीं है। तो जो मैंने पहले से सोच के रखा है, पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, उसको मैं क्या बोलूँगा? प्री डिटरमाइन कॉस्ट। और बनने के बाद जब मैंने देखा तो वो उसका कॉस्ट पता चला 15 रुपया आया, मतलब प्री डिटरमाइन कितना हो गया? प्री डिटरमाइन मैंने सोचा था कितना, 10 रुपये में बनना चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकल मतलब एक्चुअल में बनने के बाद, हिस्टोरिक मतलब क्या होता है? बनने के बाद कॉस्ट जितना आता है एक्चुअल में, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना आया बच्चों? 15 रुपीज़, जबकि मैंने सोचा था कितना? 10 रुपीज़, है ना। तो मतलब क्या है, जो आपने पहले से सोच के रखा है कॉस्ट इतना आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइन कॉस्ट, और बनने के बाद एक्चुअल में जो कॉस्ट आता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से आपके पास तीन कॉस्ट है, एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट, एक होता है एक्सपेंस। अभी ये क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या? मटेरियल कॉस्ट मतलब
प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा ना, मटेरियल मैं ऑर्डर करूँगा, उसका खर्चा आएगा, उसका एक्सपेंस आएगा, डिपेंड्स कि मैं कितना क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा हूँ। तो मटेरियल जो जो भी आपको मटेरियल परचेस करने में कॉस्ट आता है, वो सब किस में आएगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अभी मटेरियल सिर्फ ला के रख दूंगा क्या मैं? नहीं ना, उसके लिए मुझे लेबर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनको वेजेस पे करना पड़ेगा, तो लेबर के भी कॉस्ट होगा, है ना? तो लेबर के कॉस्ट किस में आ जाएंगे फिर? वो लेबर में। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब जो भी कॉस्ट या जो भी खर्चा आपका मटेरियल और लेबर के अलावा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। वो किस में जाएगा? एक्सपेंसेस। जैसे कि एक्सपेंसेस में, जैसे कि स्टेशनरी का खर्चा हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा या एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं ना मटेरियल और लेबर के अलावा, वो सारी चीज़ें किस में जाएगी बच्चों? एक्सपेंस में। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से हमारे पास है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से कंसर्न होगा या प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो जो भी एक्सपेंस मुझे प्रोडक्शन से कंसर्न है, जैसे कि एग्जांपल मशीन, मशीन क्यों यूज़ होती है प्रोडक्शन करने में? अभी मशीन का रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी होता है, तो वो सारी चीज़ें किस में जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब जो भी एडमिन से रिलेटेड होगा, जैसे कि ऑफिस का लाइट बिल हो गया, है ना, या फिर टेलीफोन बिल हो गया, या फिर स्टेशनरी के खर्चे हो गए, तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो एडमिन से रिलेटेड होगा वो किस में जाएगा? ऑफिस का काम, ऑफिस का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या? सेलिंग कॉस्ट मतलब अभी आपने प्रोडक्ट तो बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे सेल करने के लिए आप क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट करते हो, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में ऐड करोगे, है ना, और बैनर लगाओगे, तो ये सब जो आप देख रहे हो, जो एडवर्टाइजमेंट आप करते हो सेल होने के लिए करते हो, तो ये सारे एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? आपके सेलिंग कॉस्ट में। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी आपने प्रोडक्ट तो बनाया है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाओगे, है ना? होलसेलर को आप दोगे, रिटेलर को दोगे, तो उनको कैसे दोगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आएगा, तो सारे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कहाँ पे जाएंगे? आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। एंड लास्ट वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब, जैसे कि अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? रिसर्च करना होता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। रिसर्च आप कैसे करोगे? जैसे कि आप देखोगे कि मार्केट में एक्चुअली क्या डिमांड है, मार्केट को क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए। आप नया नया प्रोडक्ट लाओगे, नए फीचर्स ऐड करोगे, कॉम्पिटिटिव को चेक करोगे, कॉम्पिटिटिव का क्या प्राइस है, आपका क्या प्राइस रखोगे। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो ना। आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले आप क्या करोगे? रिसर्च करोगे। तो उस पर जो भी एक्सपेंस होगा वो किस में जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आएगा। दिस ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें करने हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। गो थ्रू करना आप आफ्टर दिस लेक्चर, इसको समझने की कोशिश करना। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आपका डाउट, और आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करना, ताकि हम उस पर भी वर्कआउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।